सो हेलो एवरीवन। तो नेवी डबल ए का 10 तारीख का जो 10 अगस्त का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हो चुका है, और उसके कुछ काफ़ी क्वेश्चंस मेरे को मिल चुके हैं। तो जो क्वेश्चन मेरे को भी मिले हैं, जो स्टूडेंट्स ने बताए हैं, जो भी जिन लोगों ने अभी पेपर दिया है, मेरे ईमेल पर क्वेश्चंस भेजे हैं बहुत लोगों ने, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को वीडियो का मिलता रहे। तो अभी मुझे कुछ जो क्वेश्चंस मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। पहला क्वेश्चन आया था कि हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा के लेखक कौन है, अकबरनामा किसने लिखी है। तो सही आंसर इसका अबुल फजल। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से था, ठीक है, ये रट लीजिए इसको। हो सकता है काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिपीट भी हो जाएं आपके आने वाले जो पेपर हैं उनमें, ठीक है, नेवी डबल ए की। तो अकबरनामा किसने लिखी है, अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन था एंटोनिम ऑफ विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का एंटोनिम बताना था, विलोम बताना था। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, अगर आपने मेरी एंटोनिम वाली वीडियो देखी होगी। तो विंडिक्टिव का मतलब मैंने बताया था आपको कि जो रिवेंज लेने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो, ठीक है, बदला लेने के लिए। तो इसका एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा फॉरगिव, इसका एंटोनिम मतलब कि माफ़ कर देना, ठीक है। अगला था मैथ से, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश से, और फिर अगला क्वेश्चन है मैथ से, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ऐसा कुछ मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था। यहाँ पर कुछ आगे राइट हैंड साइड का कुछ नहीं लिखा था, लेकिन आप बेसिक आपको कैसा अप्रोच करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो हाफ अंडर रूट एक्स प्लस हाफ अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर मान लीजिए राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में तो उसने नहीं बताया, तो मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो आपको वैल्यू दे देगी यहाँ पर 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो फिर आप ये देख सकते हो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको क्या है, हाफ अंडर रूट एक्स प्लस हाफ अंडर रूट टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पर ये देखना, ये चीज़ जो है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हाफ अंडर रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जब आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे एक्स वाले टर्म को, तो माइनस हाफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ टू टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू वन पे आपको वैल्यू बतानी। तो वाई इज इक्वल टू वन यहाँ पर रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/√x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर की फुल फॉर्म ऑफ पी डब्ल्यू डी, पी डब्ल्यू डी का आपको फॉर्म फुल फॉर्म बताना था, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगला क्वेश्चन था फिजिक्स से डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन, बहुत ईजी क्वेश्चन ये आप देख सकते हो। वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को ये भी बोला कि फिजिक्स थोड़ा हार्ड थी, लेकिन ये क्वेश्चन जिस हिसाब से मेरे को भेजा है वो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि इतनी हार्ड नहीं थी, क्योंकि मैंने फोर्स का डायमेंशन तो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में जब भी मैं डायमेंशन आपको बताता था तो फोर्स के डायमेंशन से ही डेरीवेट करके बताता था। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, MLT-2। इससे कई कठिन कठिन मैंने आपको डायमेंशन करवाया, आप चाहो तो देख सकते हो, ये तो बहुत इजी है। अगला है कि कैपिटल ऑफ लाइबेरिया, लाइबेरिया भी न्यूज़ में था जैसे कि मैंने बताया था, जो भी कंट्री न्यूज़ में है उन्हीं से आपका कैपिटल पूछा जाएगा। तो वैसे ये लाइबेरिया आप देख सकते हो, इसका कैपिटल है मोनरोविया, क्या है, मोनरोविया। तो इसका तो रट लीजिए, जिन लोगों का आगे पेपर है वो ये तो रट ही लीजिए, लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया हुआ है। और भी जैसे जो मेरे मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हो, जो भी रीसेंट कंट्रीज़ हैं जो न्यूज़ में रही हैं उनके आप कैपिटल याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने एंटीगुआ का आपको बताया था, उसका याद कर लीजिए, सेंट जोन्स है, ठीक है, एंटीगुआ का। फिर अगला क्वेश्चन था सेवन्थ नंबर, हु रोट मिन रिच कटिका, ये किसने लिखा है। तो शुक्र उनका ने लिखा है, ठीक है, ये संस्कृत एक आर्ट है। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आप जानते हो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन डेल्टा में है ये, ठीक है। फिर एक स्टूडेंट ने मेरे को ये भी भेजा, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, आप पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मेरे को जो भी क्वेश्चंस मिले वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया आप जानते हो, नेहरू। अगला है क्वेश्चन रीजनिंग से था, ठीक था क्वेश्चन, ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा कि हार्ड था, फिर ये भी नहीं कहूँगा कि ईजी था। तो पहले आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो देखिए कैसे होगा, इसमें आपको अगला टर्म बताना था, 91 के बाद कौन सा टर्म आएगा। तो आप देख सकते हो 1 और 5 में, यानी 1 और 5 में कितने का अंतर है, 4 का, 5 और 14 में अंतर कितने का है, 9 का, और 14 और 30 में अंतर कितने का है, 16 का, फिर 30 और 55 में अंतर कितने का है, 25 का, फिर 25 और आपके 91 में, यानी कि 91 में 55 और आपके 91 में कितने का अंतर है। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपके 30 31 और 5 36, ठीक है, 36 आएगा। तो ये आप डिफरेंस निकाल लिए, 4 9 16 25 36। अब इनका भी डिफरेंस निकालो, 4 और 9 के बीच में डिफरेंस 5 का, 9 और 16 के बीच में डिफरेंस 7 का,
16 और 25 के बीच में डिफरेंस 9 का, 25 और 36 के बीच में डिफरेंस 11 का। तो आप देख सकते हो जो ये डिफरेंस है 5, 7, 9, 11, ये क्या है, दो दो जोड़ के मिल रहे हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। 5 के बाद 2 जोड़ते हो तो 7 आता है, 7 में 2 जोड़ते हो तो 9 आता है, 9 में 2 जोड़ते हो तो 11 आता है, फिर 11 में 2 जोड़ोगे तो 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा। फिर 13 को आपको इसमें इसमें 36 में जोड़ना होगा, किसमें, 36 में। तो 13 को जब 36 में जोड़ोगे तो 6 3 9 और 3 1 4 मिलेगा, ठीक है। फिर इस 49 को आपको 91 में जोड़ना है, 91 में जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ोगे 49 को 91 में, तो 9 1 10, 9 4 13 14, 140 आंसर आएगा इसका, ठीक है। थोड़ा आप देख सकते हो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये चीज़ नोटिस कर ले जाओगे कि जो 4 9 16 25 ये बढ़ते क्रम है, तो इसका मतलब है कि इसमें डिफरेंस वाला ही अप्रोच आपको लगाना है, ठीक है। और फिर एक जो आखिरी क्वेश्चन मेरे को भेजा है, एक विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, तो ये मैंने आपसे, मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था करंट अफेयर वाली वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था वो यही था। आप लोगों से ये मैंने पूछा था कि कौन है विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2018, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और बहुत लोगों ने गलत भी बताया था, तो मैंने उन लोगों को सही भी करेक्ट करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस, ठीक है। तो ये मेरे को अभी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, वो मैंने आपको बता दिया, और जैसे मेरे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा वीडियोस के थ्रू। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दूसरे चैनल पर भी वीडियोज़ आएगी, अभी वीडियो आने वाली भी थोड़ी देर में जीके की, ठीक है, ज्योग्राफी की वीडियो आने वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। और एक बात और कि जिन लोगों को भी क्वेश्चंस पता हैं, जिन लोगों ने पेपर दिया है आज का, और जिन लोगों को क्वेश्चंस पता हैं, तो मेरे को इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, या फिर मेरे ईमेल पे बता सकते हो, parmar8498@gmail.com मेरा ईमेल है, या फिर इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।